तभी पनिशर यानी कि रियल फ्रैंक कैसल पकड़ लेता है आउटलॉ को और पनिशर उसकी तरफ गन तानता है। तब आउटलॉ बताता है फ्रैंक में अनाम ढू। तब वो कहता है चिंता मत करो, अभी भी तुम्हारे पास 10 सेकंड्स है तो शुरू करो। तब वो बताता है सब लोग किडनैप कर लिए गए हैं फ्यूचर हल्क के जरिए, जिसके पास है गॉड पावर्स और अब वो एक दूसरे को लड़ाकर एंजॉय कर रहा है। तब अपनी गन नीचे रखते हुए फ्रैंक कैसल कहता है हाँ मुझे भी यही लगता है, तो बिना गन्स के साथ कब से हो तुम? तब वो बताता है कि मैंने ये काम छोड़ दिया, एक सिंगल बुलेट भी मैं अपने पास नहीं रखता दोस्त। तब वो कहता है तुमने छोड़ दिया क्यों? तब आउटलॉ कहता है सब लोग मुझसे यही पूछ रहे थे कि आखिरकार मैंने ये छोड़ क्यों दिया, और मैं बताते बताते थक चुका हूँ कि मैं ये सब नहीं करना चाहता। मैं थक चुका हूँ लोगों को मारते हुए, मुझे अब ये खुद को बताते हुए शर्म आती है कि ये सब ठीक है, ये सब अच्छा है और मैं ये ह्यूमन बीइंग के लिए कर रहा हूँ। ये सब एक धोखा है, ये एक स्कम है, ये एक साजिश है। लोगों को मारकर हम ह्यूमैनिटी की रक्षा करते हैं, ये सब एक ढोंग है। तब पनिशर कहता है लेकिन मैं तो ये पॉलिटिकली नहीं करता। तब आउटलॉ कहता है हाँ शायद हमने ये शुरू ना किया हो, लेकिन मुझे अब भी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर हो क्यों रहा है। यहाँ पर टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर की दोनों की लड़ाई चल रही थी, जहाँ पर अभी भी उसे डाउट था कि अगले वाला कैप्टन अमेरिका एक स्क्रल है। तब वो अपना कोड नेम बताता है और उस कोड नेम के काउंटर साइन में कैप्टन अपना कोड नेम बताते हैं। तब वो कहता है मैं स्क्रल नहीं हूँ टोनी, और ये रियल है, बस तुम अपने अर्थ पर नहीं हो, ये किसी तरह का इंटरडाइमेंशनल अरेना वर्ल्ड है और तुम यहाँ पर एक योद्धा हो, सिर्फ कुछ चीजें तुम्हारे मेमोरी को अफेक्ट कर रही है। लेकिन टोनी कहता है या फिर तुम्हारे, क्योंकि तुम भूल चुके हो कि मैं प्रेसिडेंट स्टार्क हूँ। स्टीव मैं आयरन मैन इन चीफ हूँ, और ट्रस्ट करो लॉ ऑफ यूनिवर्स मुझे पता है कि मैं गलत नहीं कर रहा। तब गुस्से में उस पर हमला करते हुए कैप्टन कहते हैं तुम अनबिलीवेबल हो, मुझे पता था कि तुम एरोगेंट हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम पागल भी हो चुके हो। तुम गॉड नहीं हो स्टार, तुम एक आदमी हो जिसने कई सारी मिस्टेक्स की है और अब तुम्हारे दो लोग भी मारे जा चुके हैं। तो आयरन मैन कहता है और तुम्हें लगता है कि ये पहली बार हुआ है, मुझे अब भी याद है जब थंडर स्ट्राइक ने होल किया था बिल फोस्टर के दिल में, और मुझे याद है कि तुम काउंटर हाउस की सीढ़ियों पर मुर्दा पड़े थे, मैंने तुम्हें फिक्स किया। तब चौकर स्टीव रॉजर्स कहता है क्या तुम हो कौन? आयरन मैन आगे बताता है मैंने उसे अनहैपन किया, मैंने उसे ठीक किया, ऐसा जैसे कि ये कभी हुआ ही ना हो, मुझे माफ कर देना, लेकिन ये सब इस नॉनसेंस के साथ खत्म होने वाला है, मैं तुम्हें फिर से वापस ले आऊंगा जैसा कि मैंने पहले भी किया था। और ये कहकर वो अपनी बीम स्टीव रॉजर पर चला देता है। ये देखकर थंडरबोल्ट्स काफी गुस्से में आ जाते हैं और स्पेशली सूजन, और अपनी फोर्स फील्ड का इस्तेमाल करके वो टोनी के कवच को तोड़ देती है और कहती है तुमने उसे मारा जिससे मैं प्यार करती थी। लेकिन टोनी उसके उस फोर्स फील्ड के हमले से भी बच जाता है और वो बताता है एक एक्सपांडिंग फोर्स फील्ड, वो भी मेरे आर्मर में, ये अच्छी ट्रिक है सू, लेकिन मैं अब एक आर्मर से कहीं बढ़कर हूँ और अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें असली ताकत दिखाई जाए। और तब हम देखते हैं रियलिटी स्टोन टोनी के चेस्ट में, इसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और इन्फिनिटी स्टोन को देखने लगते हैं। तब टोनी स्टार्क कहता है ये रियलिटी स्टोन है ना कि कोई आम स्टोन, उसी में से एक जो थानोस ने इकट्ठे किए थे अपने इन्फिनिटी गाउंटलेट में, उसके पास टाइम स्पेस रियलिटी माइंड और सोल थे और वो अपने आप में ही पूरी कायनात थे। तो मैंने एक ग्रुप फॉर्म किया बड़े लोगों और दिमागों के साथ इल्यूमिनाटी टाइप, और हमने डिसाइड किया कि इस टू पावरफुल थिंग को तोड़ दिया जाए और एक एक टुकड़ा अपने पास रख लिया जाए और कभी भी इससे इस्तेमाल ना करने की कसम खाई, यही हमारी कसम थी तब तक जब तक स्टैमफोर्ड का हादसा ना हुआ।